आइए बात करते हैं बागबड़ा पोस्तो नगर में जुआरियों की धरपकड़ पर स्थानीय लोगों द्वारा हंगामा किए जाने की। जमशेदपुर के बागबड़ा पोस्तो नगर में जुआ खेल रहे लोगों को पकड़े जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। यही नहीं, पुलिस कर्मियों से हाथापाई की और पत्थर भी फेंके और बाद में थाना का घेराव भी किया। हालांकि बाद में सभी को वहां से खदेड़ा गया। पुलिस जुआरियों व हंगामा करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि बागबेड़ा थाना अंतर्गत पोस्तो नगर यादव भवन में कुछ लोग ताश के जरिए जुआ खेल रहे थे। उसी समय उधर से गुजर रही पुलिस गश्ती टीम ने आकर उन्हें पकड़ा और उनके पास से ताश के पत्ते और पैसे भी बरामद किए। लेकिन इसकी भनक लगते ही कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे। देखते ही देखते वहां बस्ती वासियों की भीड़ लग गई, जो जुआ खेल रहे लोगों पर कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। स्थानीय लोगों में से कई ने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई भी की और पुलिस वाहन पर पथराव भी कर दिया। पुलिस पकड़ाए लोगों को थाना ले गई तो स्थानीय निवासी हुड़दंगी थाना भी पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया। उधर घटना की जानकारी मिलने पर सिटी SP सुभाष चंद्र जाट एवं SSP डॉक्टर M तमिलवनन भी वहां पहुंचे, जिनके निर्देश पर हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा गया। पुलिस ने कुल 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिनमें जुआ खेलने वालों के साथ ही पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोग भी शामिल है। घटना की सूचना पाकर बागबेड़ा थाना पहुंचे SSP डॉक्टर M तमिलवनन ने बताया कि जुआ खेलने वालों के साथ ही उन पर कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों पर भी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा भी और हमारा माननीय DGP सर के द्वारा भी जो रिसेंटली घटनाएं होती थी, इसी के लिए एक तो रिव्यू मीटिंग में काफ़ी हम लोगों को सख्त निर्देश मिला है कि कहीं भी कोई जुआ खेलना या कोई मतलब कि गलत काम करना, नशा या दारू पूरी करना, उन लोगों के ऊपर अच्छी तरह कार्रवाई करने के लिए हम लोग का आदेश था। उस आदेश में हम लोग काम कर रहे थे तो आज एक जगह से थाना प्रभारी को सूचना मिला किचाड़ी में कि लोग बैठ के वहाँ पर ताश खेल रहे हैं। तो जो पेट्रोलिंग पार्टी गई वहाँ पर, पेट्रोलिंग पार्टी को देख के 2-3 लोग इधर उधर भाग गए थे और जो भी वहाँ पर लोग उपस्थित थे उन लोग से पूछा गया था। उन लोग के द्वारा बताया भी गया कि हम लोग ताश खेलते हैं और उनसे जो है पत्ता भी रिकवरी हुआ था और पैसा भी रिकवरी हुआ था। उसके अलावा उनको बोला भी गया था कि पूछताछ में आप सहयोग करिए और आप थाना आइए, आप हम लोग और पूछताछ करेंगे। लेकिन उन्हीं के साथ उसी समय में पुलिस के साथ उलझ गए और पुलिस को गाली गलौज करने लगे और धमकी भी देने लगे कि वर्दी उतार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो फिर वहाँ से इन लोग को लेके आने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ भी लोग उनके पुलिस ऑफिसर के साथ धक्का धुक्की किए हैं। फिर जब थाना आने के बाद भी थाना प्रभारी दूसरी जगह करके आके पूछताछ करके हम लोगों को खबर देने के लिए बताया गया था। तो पूछताछ करने से पहले ही जो है पूरा गांव उठ के यहाँ पर आके और थाना के सामने हो गल्ला करने लगे और पत्थर वगैरह लेके आए थे कि ये करने के लिए कि इन लोगों को छोड़ देने के लिए। लेकिन उसमें जो है टोटल 6 आदमी हैं। अभी हम लोग कुछ प्रारंभिक पूछताछ वगैरह किए हैं, कुछ लोग उसमें ताश खेलने में शामिल है, एक्सेप्ट भी किए हैं और कुछ लोग जो ताश खेलने वाले को पुलिस लेके आना था उस लोगों को पुलिस के साथ आता पे किया मना किया, जो सरकारी काम में बाधा डाल। और इसमें कुछ और भी लोग हैं कि बताया जा रहा है कि हम लोग जो है सब्जी लेने के लिए गए थे और पुलिस हम लोग को भी लेके आया है, उसमें हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं और कुछ CCTV फुटेज वगैरह भी हम लोग के पास है, जाँच करके फिर उचित कर रहे हैं। खेलने का अधिनियम में खंड दर्ज होगी, प्लस उसके बाद उसमें जो पुलिस के साथ काम करने के लिए, पुलिस का जो कार्रवाई है उससे वंचित रहने के लिए, उनके साथ आतापाई करने के लिए, उनके साथ तालीम जो जो धमकी देने के लिए, उन लोग के ऊपर सरकारी काम वाला उस वाला में धारा लग सकता है। तो आखिर किसके ऊपर क्या धारा लगेगा, जो हम लोग जो सारी हम लोग को जो मोबाइल का रिकॉर्डिंग वगैरह है पुलिस ऑफिसर के पास भी है और कुछ पब्लिक के पास भी है, उसमें हम लोग देखते करने। आतापाई में अभी तो मैंने पूछ नहीं पाया हूँ, लेकिन अभी ये लोग बता रहे थे कि हाँ पुलिस को भी वो लोग जो है हाथ वगैरह चला दिए, जो ODI ऑफिसर खुद बोल रहे हैं कि आके गाड़ी में पत्थर वगैरह मार दिया था। तो उनको भी हम लोग पूछ रहे हैं कि कोई जवान का यदि कोई इंजरी हुआ तो जवान को हम लोग ये भी कराएंगे, मेडिकल मेडिसिन भी कराएंगे। दिनभर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ Facebook और YouTube पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।